मरीना इनक्लेव मालाड वेस्ट जनकल्याण नगर 2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसका मैं इस वीडियो में बात करने वाला आपको हूं। मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊंगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज़ क्या है, आसपास की एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल है, कितने डिस्टेंस पर कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊँगा दोस्तों। मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूँ, फिर बाद में मैं इसका डिटेल में बात करूँगा दोस्तों। यहाँ से जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ये मालाड वेस्ट में आता है, ये नियर चारकोफ विलेज। यहाँ से थोड़ी दूर पे जनकल्याण नगर है और प्रोजेक्ट का नाम है मरीना एनक्लेव। गुरुकृपा बिल्डर हैं ये, और ये इसका एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, जिसमें एक में एंट्री है और एक में एग्जिट है, बीच में सिक्योरिटी कैबिन है। यहाँ से मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा पहले किस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, ताकि आप पहले फ़ोन पे या टीवी पे, पीसी पे, लैपटॉप पे देख के समझ पाएँ। ये एंट्री करने के बाद ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलता है, और फर्स्ट फ्लोर पे इसके सारी एमिनिटीज़ है। आपको ऊपर की ओर पार्किंग का भी दिखा रहा हूँ, नीचे ये हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। आप पहले घर बैठे इसको देख लें, समझ लें, बिल्डिंग का एलिवेशन, साइज, फ्लैट और एलिवेशन सब कुछ, उसके बाद आप परचेस करने आएँ। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है हर एक विंग का, इसमें 18 विंग है टोटल, देखें तो कम से कम 1500-1600 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है और बहुत ही ह्यूज और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। अभी मैं जब एमिनिटीज़ में लेके जाऊँगा तब आप अच्छी तरह से देख के समझ पाएंगे कि किस टाइप का इसका एमिनिटीज़ बिल्डर ने डिज़ाइन किया है। आप सारा कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। 2 BHK की प्रॉपर्टी है, रीसेल की प्रॉपर्टी है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको पूरा बिल्डिंग, पूरा कॉम्प्लेक्स दिखा दूँ, उसके बाद फिर, और हर एक में ये लिफ्ट दिया हुआ है, तीन तीन हाई स्पीड लिफ्ट है सब में। इसका स्टेयरकेस है, अभी हम चलेंगे इसके बाद सीधा फ्लैट देखेंगे किस टाइप का है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2 BHK की प्रॉपर्टी है, रीसेल में। इसमें काफ़ी सारे प्रॉपर्टी है, 2 BHK, 3 BHK का भी प्रॉपर्टी इसमें रीसेल में है हमारे पास, जो बिल्डर से काफ़ी अच्छे प्राइस में है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है परचेस करने में, वैसे ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्लैट मैं आपको एक जजमेंट के लिए दिखा रहा हूँ कि जो यहाँ का फ्लैट है वो किस टाइप का है। हर एक फ्लोर का जो जो फ्लैट अवेलेबल है सबका वीडियो लेना दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस टाइप की प्रॉपर्टी बनाया है बिल्डर ने। यहाँ से आप देख सकते हैं सारे सामने, ये पेगोडा फेसिंग है, ग्लोबल विपश्यना पेगोडा जो बना हुआ है, और ये पूरे खाड़ी का फेसिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से व्यू मिलता है आपको, सारे ओपन व्यू मिलता है, बहुत ही फ्रेश आपको हवा, उजास सब कुछ यहाँ पे मिलता है। सारे एमिनिटीज़ में जो ऊपर के दिखा रहा हूँ सब इसी बिल्डिंग का ही है, इसी कॉम्प्लेक्स की एमिनिटीज़ है। और भी मैं पूरा डिटेल आपको ये जो फ्लैट और प्रॉपर्टीज़ के वीडियो ख़त्म होने के बाद में सारा डिटेल आपको बताऊँगा कि क्या साइज़ है फ्लैटों का इसमें। अभी हम चलते हैं लिविंग डाइनिंग से अंदर जाते ही, ये इसका किचन है। किचन भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया स्पेस है। किचन में एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे फ्रिज का स्पेस है, और आगे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया है बिल्डर ने। सारे में गैस पाइपलाइन आ चुका है। इस बिल्डर की एक खास बात है दोस्तों कि ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लाने के बाद ही ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, इसमें जिसमें OC आ गया है, BMC वाटर रिसीव्ड हो गया है, पूरे बिल्डिंग रेडी होने के बाद ही ये सेल कर रहे हैं। इसमें कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ये सेल नहीं कर रहे हैं लॉन्चिंग में। इसमें OC लाया हुआ भी बिल्डिंग भी है और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, बट ज़्यादातर इन्होंने प्रॉपर्टी रेडी करके ही सेल किया है। ये इसका कॉमन बेडरूम है, इसके बाद हम मास्टर बेडरूम देखेंगे इसका। ये आप देख सकते हैं बेडरूम से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, ये आप नेचर के बहुत करीब हो जाते हैं इस फ्लैट में रहने के बाद, इस कॉम्प्लेक्स में रहने के बाद यहाँ से पूरा नेचुरल व्यू मिलता है आपको।
इस बेडरूम से निकलते ही सामने आप देखें तो कॉमन वॉशरूम है, उसके अपोजिट में ही मास्टर बेडरूम है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, इसका भी स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है। कॉमन वॉशरूम के बाहर भी एक छोटा स्पेस दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सोसाइटी का जगह है, वैसे आप कुछ स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं मास्टर बेडरूम भी काफ़ी बढ़िया स्पेसियस बनाया है इन्होंने। टू मूव OC और 24 आवर्स BMC वाटर के साथ ये आपको हैंडओवर करने वाले हैं। और इसमें रीसेल की जो प्रॉपर्टी है बिल्डर से 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए कम में है। ये जो प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ ये रीसेल की प्रॉपर्टी है। ये इसी टाइप के कई फ्लैट्स इसमें बेचने के लिए हैं जो इन्वेस्टर फ्लैट्स हैं। आप हमें कॉल करें, हम आपको अच्छे से अच्छे प्राइस करवा के देंगे। बिल्डर का तो प्रॉपर्टी फिक्स है प्राइस, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, आप देख सकते हैं वॉशरूम उन्होंने प्रॉपर बनाया है। अंदर की ओर बाथ एरिया दिया है, फर्स्ट एंटर करते ही टॉयलेट कमोड बनाया है इन्होंने। ये अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है। अभी मैं इसके बाद आपको एमिनिटीज दिखाऊंगा किस टाइप का इनका एमिनिटीज बनाया हुआ है। उसके बाद मैं सारा डिटेल में आपको प्रॉपर्टी का बताऊँगा, कितने स्क्वायर फुट का फ्लैट है, क्या है। उसके बाद फिर हमारी सर्विसेज की बात करूँगा, फिर मैं आपसे विदा लूँगा दोस्तों। ये इसका पैसेज है जिसमें तीन लिफ्ट दिया हुआ है, तीन हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। और ये इसका स्टेयरकेस है, सीढ़ी है ये, तो अगर लिफ्ट बंद हो तो इमरजेंसी में आपको एग्जिट होना हो, निकलना हो, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। वैसे तीन हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है, वैसे कभी भी तीनों का अलग अलग ऑपरेटिंग है, कभी भी आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी हम इसके बाद नीचे देखते हैं इसकी एमिनिटीज कैसी है। ये इसका पोडियम पार्किंग है जो फर्स्ट सेकेंड लेवल पे है, थर्ड लेवल पे है। ये मैं आपको पार्किंग का स्पेस जो उन्होंने बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा आपका टाइमिंग जाता है, ये इसका रैंप है, बट घर बैठे आप समझ पाते हैं आपका आना जाना, एक दो घंटे का ट्रैवलिंग जाने आने में, फिर कॉम्प्लेक्स के अंदर आना, वो सब थोड़ा बच जाता है टाइमिंग। आप यूट्यूब पे टाइम दें तो मैं खासकर अपने व्यूअर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए एक बेनिफिट देता हूँ कि रीसेल में प्रॉपर्टी भी हमारे पास कभी बहुत अच्छे प्राइस में आती है। ये जो आया है इसकी मैं प्राइजिंग आपको लास्ट में बताऊँगा कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज़ है मालाड में ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स में। ये इसका गार्डन एरिया है जहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया वगैरह, टर्फ दिया हुआ है, क्रिकेट पिच दिया हुआ है। ये जॉगिंग ट्रैक इन्होंने बनाया है और अंदर ब्यूटीफुल गार्डन से डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये इसका कुछ सिटिंग एरिया है। ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये इसका टर्फ है। अंदर कुछ बड़े या बच्चे, एडल्ट और किड्स सब लोगों के लिए खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। यहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज किया है बिल्डर ने, इतनी चीज़ें दिया है कि यहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। कई तरह के एंटरटेनमेंट के सोर्सेस दिया है यहाँ पे। ये किड्स प्ले एरिया है बच्चों को खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया भी है। ये दोनों साइड बिल्डिंगें बनी हुई है और बीच में सारा एमिनिटीज दिया हुआ है और कुछ एमिनिटीज बाहर के साइड दिया हुआ है। और आप देखें तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, बहुत ही पीसफुल एरिया है ये। ओपन जिम दिया हुआ है और ये शावर एरिया है। यहाँ पे वाटरफॉल लगा हुआ है बट अभी ऑपरेटिंग में नहीं है। ये दूसरा टर्फ है जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं सोसाइटी के बच्चे। ये इसका सीनियर सिटीजन एरिया है, सिटिंग एरिया है। खुली कभी आपको बैठना है तो आप गार्डन में बैठ सकते हैं। और सामने ही एम्फीथिएटर एरिया है उसका, जो
ये इसका स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। ये बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, दोनों के लिए किया हुआ है। मैं पहले आपको एमिनिटीज़, फ्लैट, बिल्डिंग, सोसाइटी ये सब दिखा दे रहा हूँ, बाद में मैं इसकी सारा डिटेल आपको मैं बताऊँगा। पहले आप ये देख लीजिए, फिर मैं ये जो रीसेल की प्रॉपर्टी है 2 BHK की मैं बताऊँगा। ये एग्ज़िट होने के बाद, यहाँ से ये एग्ज़िट होने के बाद का मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर से जो बिल्डिंग का लुक है वो ऐसा ही है। मैं आगे आने वाले वीडियो में 3 BHK भी दिखाऊंगा किस टाइप का है। उसके बाद बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है, बिल्डर के प्रॉपर्टी में हर एक प्रॉपर्टी में हमारा अलग से गिफ्ट वाउचर रहता है, जो मैं हमारे चैनल के थ्रू जाने से जो भी हमको बल्क में प्रॉपर्टी सेल करते हैं उसका जो बेनिफिट मिलता है हम डायरेक्ट कस्टमर्स को देते हैं। और अब आगे जानते हैं दोस्तों इस प्रॉपर्टी का डिटेल्स में कि इसका लोकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मरीना एनक्लेव प्रोजेक्ट का नाम है ये, चारकोफ विलेज मालाड वेस्ट में आता है। ये 23 स्टोरी टावर है, 23 माले की बिल्डिंग है, 18 विंग का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट लेवल, इसका पोडियम पार्किंग है और फर्स्ट लेवल के ऊपर फिर सारी एमिनिटीज़ दिया हुआ है, लाइक स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह। रेजिडेंशियल स्टार्ट इसका 2nd फ्लोर से है। उसके बाद मैं बता दूँ 10 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, जिसमें 3.5 एकड़ में एमिनिटीज़ दिया हुआ है और 5 एकड़ में इन्होंने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया है लोगों को रहने के लिए। 18 टावर में 12 टावर इनका सोल्ड आउट है, 6 टावर इनका बेचने के लिए बचा हुआ है, पब्लिक यहाँ पे रह रही है। और बहुत ही ब्यूटीफुल इनका क्लब हाउस है, क्लब हाउस को परमिशन मिला नहीं ड्यू टू COVID-19 के हिसाब से, थोड़ा अवेयरनेस है इसके लिए, मुझे क्लब हाउस का डिटेल मिला नहीं तो मैं आपको क्लब हाउस भी दिखाता था कि किस टाइप का है। MNN विंग सेल करने के लिए है, लगभग 1500 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये पूरा। रेडी टू मूव OC और 24 आवर्स BMC वाटर के साथ आपको ये फ्लैट डिलीवर होगा। क्रिक व्यू और पेगोडा व्यू, 2 व्यू है इसका। बहुत ही पीसफुल एरिया है, इसमें 2 BHK और 3 BHK बनाया है इन्होंने। इसमें सारे बैंकों से आपका अप्रूवल, बैंक लोन आप जिस भी बैंक से लेना चाहें, इसमें SBI, एक्सिस, LIC, HDFC, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें ले सकते हैं दोस्तों। प्राइजिंग के बाद मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज है इसका, जो रीसेल की प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टर का प्रॉपर्टी है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज है, मैं आगे बात करूँगा। एम्यूनिटीज़ में इसमें क्लब हाउस, जिमनासियम, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, नेट क्रिकेट पिच, मिनी थिएटर, लैंडस्केप गार्डन, बैंक्वेट हॉल, स्केटिंग रिंग, टीम एंड जिक्योजी, गेजा बॉक्स, इंडोर गेम्स, मेडिटेशन एंड योगा सेंटर, रिफ्लेक्सोलॉजी पाथवे, लाइब्रेरी, ओपन एयर एम्पीथिएटर, मल्टीपर्पज कोर्ट, सुपरमार्केट, स्पिरिचुअल मैसेज वॉल, ये सारी इसकी एमिनिटीज़ है। अब मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ से 5 मिनट के अंदर विलावोंग इंटरनेशनल स्कूल, ब्राइट लाइट स्कूल, रक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फ्योनिक्स हॉस्पिटल, गणेश मंदिर, जलाराम मंदिर, वेजिटेबल मार्केट, गोल्डन सिनेमा, कोटक महिंद्रा बैंक, PMC बैंक और ATM वगैरह आप 5 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। 30 मिनट के अंदर आप कांदिवली स्टेशन, मालाड स्टेशन, लिंक रोड, SB रोड, चारकोप, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मड मार्वे बीच, माइंड स्पेस, IT पार्क, नेशनल पार्क, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेनिथ हॉस्पिटल, डी मार्ट, इन्फिनिटी मॉल, इनोर बीट मॉल, रघुलीला मॉल, ग्लोबल्स मॉल, ओबेराय मॉल, PVR सिनेमा कांदिवली, सिनेमैक्स, माउंट मैरी हाई स्कूल, प्रकाश कॉलेज, निरंजन मजीठिया कॉलेज। अब आप 1 घंटे के अंदर की मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुंबई से बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। कभी वो मुंबई दर्शन के लिए आएँ तो उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा। जिसमें अभी मैं प्राइजिंग की बात करूँ, पहले मैं प्राइजिंग बता देता हूँ फिर और मैं कनेक्टिविटी आपको बताऊँगा। यहाँ पे जो 2 BHK है दोस्तों, मेरे पास जो इन्वेस्टर का फ्लैट आया हुआ है वो कारपेट एरिया है, 718 स्क्वायर फुट, यानी 718 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है लगभग, और उसका प्राइस 1.36 CR, 1,36,00,000 रुपया फ्लैट कॉस्ट है, इंक्लूडिंग कार पार्किंग, 8 लाख का कार पार्किंग उसी में है। अब मैं 3 BHK की प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें मैं 3 BHK की प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा, इसमें सिर्फ मैं फिलहाल आपको 2 BHK दिखा रहा हूं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 1 घंटे के अंदर आप पेंडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
पवई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बरसोवा बीच, जुहू बीच, नेशनल पार्क, बांद्रा फैशन स्ट्रीट, जहाँ पे आपको फैशन की हर चीज़ें हर वैरायटी में बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में मिलता है, बांद्रा वर्ली सी लिंक, मदर मेरी चर्च, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी टेम्पल, सिद्धि विनायक मंदिर, गोराई, ग्लोबल विपासना पेगोडा, एसएल वर्ल्ड, वाटर किंगडम, ये सब आप एक घंटे के अंदर रीच कर जाते हैं। दो घंटे के अंदर आप गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, रेविंगटन मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल वगैरह भी आप एक से दो घंटे के अंदर सब कुछ रीच कर जाते हैं दोस्तों। ये इसके प्रॉपर्टी की डिटेल की बात किया मैंने, अब आइए हमारी सर्विसेज की बात करता हूँ। उसमें भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं हमारे जो जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। अब हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों, तो मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन का भी काम करते हैं। होम लोन में आप जिस बैंक से लोन लेना चाहें, सारे बैंकों से हमारा टाई अप है, सारे बैंक के पर्सन से हमारा टाई अप है। आपको जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हम आपको लोन सर्विस भी पूरी तरह से उसमें हेल्प करेंगे लोन आपको दिलवाने में दोस्त। बाकी और सर्विसेज में हमारा न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में हम डील करते हैं। रीसेल में कभी कभी अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है जो 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट पे होती है। एक्चुअली ये जो वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं जिन्हें प्रॉपर्टी अर्जेंट बेचना होता है, तो हमारे पास कभी कभी उनको पैसे की ज़रूरत होती है, 10-10, 20-20 लाख रुपये कम में हमारे पास सेल करने के लिए आते हैं। ऐसे हज़ारों लोग वीडियो जो देख रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे में कभी कभी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। और दूसरा, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी तो सीधे सीधे 30-40% डिस्काउंट में मिल जाता है। जो लोग बैंक का लोन नहीं पे कर पाते हैं उनको प्रॉपर्टी बैंक द्वारा सील कर दी जाती है, फिर बाद में एक साल के बाद बैंक उसको नीलाम करती है, ऑक्शन में डालती है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट में वो प्रॉपर्टी बिकता है। ये जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी है, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी है, और न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो बिल्डर कभी प्रोजेक्ट कोई लॉन्च करते हैं और उस टाइम उन्हें कंस्ट्रक्शन में पैसे डालने के लिए और बिल्डिंग का बेस खड़ा करने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, जिसके कारण कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट दे देते हैं, कभी अच्छा खासा प्राइस भी वो लोग उस टाइम लेके आते हैं, जो जनरली एक साल दो साल कंप्लीट होने के बाद वो प्राइस कंस्ट्रक्शन में नहीं मिल पाता है, बिल्डिंग में नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ अब देखें तो उस टाइम उसका फ्लोराइज भी कुछ नहीं होता, रिफर लोकेशन चार्ज यानी PLC चार्ज कुछ नहीं होता, तो ये सब जो न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी होती है, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी होती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी होती है, ये सब प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वरनवाल पे डालता रहता हूँ हमेशा। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जब भी मैं कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी डालूंगा और आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों। अगर आप व्हाट्सएप पे चाहते हैं ये सारे प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले, तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सएप पे है। आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट और दो लाइन का ब्रीफ डिटेल, जो भी आपका डिटेल, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो हमें लिख के भेज दें हमारे पास। जब भी आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड जो भी कोई प्रॉपर्टी आती है, तो मैं व्हाट्सएप के जरिए हम आपको इन्फॉर्म भी करते रहेंगे और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर भी करते रहेंगे, ताकि ये 1-to-1 आपको मैसेज मिलता रहेगा। जब भी 2-4 महीने में जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी अगर प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट हो या ऐसी कोई बेचना हो, सेल भी करना हो या ख़रीदना भी हो, तो हम उनको बेचने में और ख़रीदवाने में दोनों में उनका मदद कर पाएंगे दोस्तों। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी कभी वो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएँ तो उनके मन का डाउट, मन का डर ख़त्म हो जाए और वो कॉन्फिडेंटली प्रॉपर्टी खरीद सकें और उसका फ़ायदा ले सकें दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। के लिए हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों।